दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर वर्सेस लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर के बारे में। आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर को कॉलम बीम स्ट्रक्चर के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इसमें कॉलम और बीम का फ्रेमिंग होता है, जबकि लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर को वॉल बेयरिंग स्ट्रक्चर के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इसमें स्ट्रक्चरल मेंबर जो लोड बेयर करता है वो होता है वॉल। आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर दोस्तों वाइडली यूज होने वाले कंस्ट्रक्शन में से है, जबकि लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर आज के जमाने में ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता। फ्रेम स्ट्रक्चर में दोस्तों वॉल बाद में कंस्ट्रक्ट की जाती है जब आपकी फ्रेम तैयार हो जाती है कॉलम बीम की, जबकि लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में आपको आरसीसी कॉलम बीम्स देखने को नहीं मिलेंगे क्योंकि इसमें वॉल ही इंपॉर्टेंट लोड बेयरिंग मेंबर है। आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर में सीमेंट और स्टील ज्यादा इस्तेमाल होगा क्योंकि इसमें आरसीसी मेंबर्स होते हैं, जबकि लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में आरसीसी मेंबर्स नहीं होती तो सीमेंट और स्टील भी कम इस्तेमाल होगी। आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर दोस्तों आप बहुत ऊंचाई तक बना सकते हो, हाई राइज बिल्डिंग भी बना सकते हो, जबकि लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें डेफिनेटली हाइट के रिस्ट्रिक्शन है। आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर दोस्तों इकोनॉमिकल तब होगा जब आप मल्टी स्टोरी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करोगे, जबकि लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर छोटे हाइट के लिए आपको टू स्टोरी तक ही इकोनॉमिकल माना जाएगा और रहेगा। अगर आप साइट इंजीनियरिंग के बारे में सीखना चाहते हो तो हमारे कोर्स में भी दोस्तों एनरोल कर सकते हो, सीख सकते हो, लिंक बायो में मिल जाएगा, एनरोल करिए।